हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छा आइस पैक शेयर कर रही हूँ। गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो गर्मियों के मौसम में हमारी स्किन धूल धूप प्रदूषण के कारण काफ़ी ज़्यादा डल हो जाती है। हमारी स्किन पे ग्लो नहीं होता, सन टैन हो जाता है, सन बर्न की प्रॉब्लम हो जाती है, हमारी स्किन में ओपन पोर्स की प्रॉब्लम हो जाती है, हमारी स्किन काफ़ी ज़्यादा छिप छिप रहती है। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छा बेस्ट आइस पैक शेयर कर रही हूँ। ये आपकी स्किन को ग्लोइंग, ब्राइट, हेल्दी, स्पॉटलेस बनाएगा। आपका चेहरा एकदम गोरा, गुलाबी, बेदाग, चमकदार लगेगा। आपकी स्किन में बहुत ही अच्छा पिंकिश सा ग्लो आता है। आपकी स्किन में जो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है उसे ये मिनिमाइज करेगा। आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बना के रखेगा। आपकी स्किन को पूरे दिन ये तरोताजा बना के रखेगा। तो चलिए जानते हैं आपको ये किस तरह से बनाना है। आप मेरी वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आधा टुकड़ा जितना चुकंदर लिया, मैंने यहाँ पे बीट रूट लिया, उसे मैंने ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लिया। आप चाहो तो पिल ऑफ कर सकते हो, मैंने यहाँ पे पिल ऑफ नहीं किया, मैंने यहाँ पे छिलके के साथ ही इसे ग्रेट किया है। उसके बाद फिर हम इसे छन्नी की हेल्प से छान के इसका जूस अलग कर लेंगे। आप चाहो तो बहुत ही अच्छे से इसे मिक्सी में ब्लेंड करके बहुत ही अच्छा स्मूथ सा पेस्ट बना सकते हो। हमारी हेल्थ के साथ साथ हमारी स्किन के लिए भी बीट रूट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, मिनरल्स होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो हमारी स्किन से एक्ने है, पिंपल्स है, डार्क स्पॉट है, ब्राउन स्पॉट है, ब्लेमिशेस है, स्कार्स की प्रॉब्लम है, सन टैन की प्रॉब्लम है, हमारी स्किन की सारी प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है। मैंने बीट रूट का जूस अलग कर लिया है। मैंने यहाँ पे आधा कप जितना बीट रूट का जूस निकाला है और उसमें ही मैंने आधा कप जितना रोज़ वाटर ऐड किया। आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे रोज़ वाटर ऐड किया है, थोड़ा सा मैंने इसमें लेमन एसेंशियल ऑयल यूज़ किया। मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करना भूल गई थी, क्योंकि मुझे लगा रिकॉर्डिंग चालू है पर रिकॉर्डिंग चालू नहीं थी, तो इसलिए मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। उसके बाद फिर मैंने एक आइस ट्रे लिया, उसमें मैंने इसे ट्रांसफ़र कर लिया। अब आपको इसे ओवरनाइट फ्रीज में रखना है। आप चाहो तो इसे 2 घंटे तक के लिए भी रख सकते हो। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे इसको फ्रीज में रखने जा रही हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने इसे फ्रीज में रख दिया है, 8 से 10 घंटे हो चुके हैं। अब मैं इसे फ्रीज से बाहर निकाल रही हूँ। अब आपको अपने क्लीन फेस पे रोज़ाना रात में और सुबह इसे यूज़ करना है। आपको फेस वॉश करने के बाद इसे अपने फेस पे अप्लाई करना है। हाईली रिकमेंड करूँगी ऑयली स्किन वालों के लिए। जिनकी ड्राई स्किन है या सेंसिटिव स्किन है, वो कॉटन के कपड़े में लेके भी कुछ इस तरह से आप 1 से 2 मिनट तक के लिए मसाज करो। तरह से वीडियो में दिखा रही हूँ आपको, उस तरह से बहुत ही हल्के हाथों से करना है। आप मसाज करोगे ना, आपके चेहरे का ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो बढ़ेगा, आपका चेहरा एकदम चमकने लगेगा, आपके चेहरे पे काफ़ी अच्छा ग्लो आएगा। आपके चेहरे पे आँखों के यहाँ पे डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है या ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, तो उसे ये मिनिमाइज करता है। आपकी स्किन में रैशेज, घमोरियों की प्रॉब्लम है, उससे भी ये छुटकारा दिलाता है। आपकी स्किन में एक्ने, पिंपल्स, डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम है, उसे ये सॉल्व करता है। आपकी स्किन में सन टैन हो गया है, सन बर्न की प्रॉब्लम है, उसमें ये राहत देता है। आपकी स्किन में रिंकल्स, फाइन लाइंस की प्रॉब्लम है, उसे धीरे धीरे फेड करता है। साथ ही साथ आपकी स्किन लूज है तो उसे ये टाइट करता है। और आपकी स्किन में पिगमेंटेशन है, ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम है, स्कार्स की प्रॉब्लम है, उसे धीरे धीरे लाइट ब्राइट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा लाइट करता है, ब्राइट करता है, फेयर करता है, ग्लोइंग बनाता है। मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ करूँ, मेरी स्किन में इसने काफ़ी अच्छा वर्क किया है। अगर आपको लगता है कि आप इसे यूज़ करोगे स्टेन छूट जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कॉटन के कपड़े में हल्के हाथों से करोगे तो बिल्कुल भी स्टेन नहीं छूटेगा। आपको ये प्रोसेस दिन में 2 बार करना है, एक मॉर्निंग में करना है, एक रात में करना है। जब आप मॉर्निंग में उठोगे ना, आपके फेस पे काफी अच्छा ग्लो आपको नजर आएगा। आइस हमारी स्किन के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। हमारे स्किन में जो आंखों के यहाँ पे सूजन की प्रॉब्लम है या फिर आपके फेस पे बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है, तो ये ऑयल को कंट्रोल करके रखता है। आपकी स्किन बिल्कुल भी छिपछिप नहीं करती। 8 से 10 घंटे तक के लिए आपके फेस पे जो पसीने वगैरह आता है वो भी नहीं आते। साथ ही साथ ये आपके मेकअप को भी लॉन्ग लास्टिंग बना के रखता है। ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करता है। आपकी स्किन आपको पूरे दिन फ्रेश लगेगी। आप इसे यूज करोगे, आपको खुद अपनी स्किन में काफी अच्छा फर्क नजर आएगा। डेड स्किन सेल की लेयर को निकालेगा, आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से एक्सफोलिएट करता है। आपकी स्किन में जितनी भी काली परत जम गई उसे पूरी तरह से रिमूव करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। पर आपको इसे दिन में 2 बार यूज करना, गर्मियों के मौसम में हाईली रिकमेंड करूंगी। तो आप ये बीट रूट आइस पैक यूज करो और इसका रिजल्ट मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, ज्यादा ज्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।